तो अभी हमने सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देखा कि उसे हम कैसे नापते हैं। अब यदि हम बात करें कि हम सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करें, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमें सेल का पोटेंशियल नापना है तो हमें दो तीन चीजों की जरूरत होगी। एक तो उसके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, दूसरा किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो रही है, और तीसरा वो जो सॉल्यूशंस जिनमें मेटल की रॉड डिप होती है उनकी कंसंट्रेशन क्या है। और जब ये सारी चीजें हमें पता होती हैं तो हम उसे नर्न्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं और ई सेल वहां से कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप कहेंगे ये नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, तो चलिए नर्न्स्ट इक्वेशन और उसके पहले भी उसकी थ्योरी को हम यहाँ पे समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं नर्न्स थ्योरी, जो हमें बताती है कि सेल में ये विभवांतर कैसे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सेल की बात करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें से एक पर ऑक्सीडेशन होता है और एक पर रिडक्शन होता है, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव कैसे हो जाता है? तो इसे समझाने के लिए एक फेमस साइंटिस्ट नर्न्स्ट ने 1889 में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम नर्न्स्ट सिद्धांत कहते हैं, नर्न्स्ट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी हमारे मेटल की रॉड उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डिप होती है तो दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। या तो इस मेटल से मेटल आयन के रूप में जो आयन है वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं, यानी जो मेटल के परमाणु है वो मेटल को छोड़कर मेटल आयन के रूप में इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं और उनकी इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, यानी कि विलयन दाब। मैं क्या कहना चाह रही हूं कि यदि ये कोई मेटल है तो ये मेटल की एक पहली टेंडेंसी तो ये है कि ये मेटल मेटल आयन के रूप में, मान लीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल रही है तो इस पर एन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी कोई मेटल की रॉड उस आयन के सॉल्यूशन में डिप होती है तो इस मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो मेटल आयन के रूप में विलयन में जाने लगे, और इसकी इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। किसी इलेक्ट्रोड का ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसी कारण जो मेटल के परमाणु होते हैं वो धनायन में परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसके अपोजिट भी एक टेंडेंसी हो सकती है, वो क्या, वो ये कि सॉल्यूशन में ये किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप है, इसमें भी उसके मेटल आयन है, तो विलयन में उपस्थित ये मेटल आयन परमाणु के रूप में इस धातु पर जमा हो सकते हैं, यानी सॉल्यूशन से मेटल आयन किस पर जमा हो रहे हैं, इस मेटलिक रॉड पर जाने की भी उनकी टेंडेंसी होती है। यानी कि अब इक्वेशन क्या बनेगी कि ये जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और किस पर जमा हो जा रहे हैं, इस मेटलिक रॉड पर एम के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसकी इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पराशरण दाब। तो ये कहला रहा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और पहली टेंडेंसी हमारी क्या कहला रही है, सॉल्यूशन प्रेशर, इसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर या सिंपल वर्ड्स में सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब मेटल को उसके मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, और ये दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है, और जब इनकी रेट बराबर हो जाती है तो फिर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब किसी इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारा सॉल्यूशन प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर है
उसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो और सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो, कम हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम इन कंडीशंस को डिटेल में देखते हैं। जब सॉल्यूशन प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, सॉल्यूशन प्रेशर कैसा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, पहली कंडीशन। तो जब सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोड से जो मेटल है वो मेटल आयन के फॉर्म में निकलकर सॉल्यूशन में जाने लगती है, जिससे चूंकि ये मेटल आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रही है तो हमारी मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स छूट जाएंगे, तो हमारी जो मेटल है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं कि यदि सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन, यानी कि मेटल की ये टेंडेंसी होगी कि वो मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाए, और यदि वो मेटल मेटल आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रही है तो इस जो रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव आयन जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाने के कारण एक उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर को ही हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, इसलिए हम उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जिंक मेटल को जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा जाता है तो जो जिंक रॉड है उसकी सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी होती है, यानी कि वहां ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हमने देखा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे डेवलप होता है। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसी हो, कम हो, यानी अब क्या ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी अब कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ये होगा कि सॉल्यूशन में जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल के फॉर्म में जो रॉड है हमारी उस पर एटम के फॉर्म में जमा होने लगेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट ऑक्सीडेशन की अपोजिट रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन है उससे मेटल आयन निकलकर कहाँ जा रहे हैं, इस रॉड पर जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारी रॉड पर ये मेटल के फॉर्म में जमा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी रॉड उस सॉल्यूशन की अपेक्षा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है, और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब साम्यावस्था आती है तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाती है जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को अब हम बोलते हैं उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि अब रिएक्शन क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, तो हमने देखा पहली कंडीशन, जब सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो वहां ऑक्सीडेशन होता है, और उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यदि इसका अपोजिट है, यानी सॉल्यूशन प्रेशर कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो मेटल आयन मेटल पर जमा होने लगता है जिससे मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और उस कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा आयन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, इसलिए कोई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन ही नहीं पाती। तो इस तरीके से ये नस थ्योरी है जिसके अनुसार मेटल पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए, इसके बाद अब हम देखेंगे कि
सेल के ईएमएफ को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि कैसे किसी इलेक्ट्रोड पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए नर्न्स्ट ने अपनी एक इक्वेशन डिराइव की, जिसे हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। वास्तव में जो नर्न्स्ट इक्वेशन है, ये सेल के ईएमएफ को स्टैंडर्ड ईएमएफ और जो सेल अभिक्रिया है उनमें भाग लेने वाले पदार्थों की एक्टिविटी से संबंधित है। मतलब सेल के ईएमएफ, उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ और उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नर्न्स्ट इक्वेशन मिलती है। तो चलिए, अब हम एक किसी सेल में होने वाली किसी सेल अभिक्रिया को यहाँ लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक गैल्विक सेल है। तो इस गैल्विक सेल में होने वाली कोई सेल रिएक्शन इस प्रकार से है कि ए यानी ए के ए मोल है, बी के बी मोल है, जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट सी के सी मोल और डी के डी मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को हम वॉन्टहॉफ आइसोथर्म के द्वारा निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वॉन्टहॉफ आइसोथर्म के अनुसार इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी में कमी यानी माइनस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा जी जीरो यानी जी नॉट यहाँ क्या बताता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को, माइनस आर टी लॉग सी ए सी सी इंटू ए डी डी अपॉन ए ए इंटू ए बी बी। यहाँ ए क्या बता रहा है, एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा जी जीरो क्या बता रहा है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जो जितने भी आप यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रहे हैं उनकी एक्टिविटी को आपने क्या माना हुआ है, वन लिया हुआ है। यहाँ पर ए सी ए डी ए ए और ए बी क्या बता रहे हैं, हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी उस स्टेट में एक्टिविटी को बता रहे हैं। ए ए ए की एक्टिविटी है, ए बी बी की एक्टिविटी है, ए सी सी की एक्टिविटी है और ए डी डी की एक्टिविटी है। और ये जो ए बी सी डी लिखे हुए हैं ये उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी गैल्विक सेल की रिएक्शन को फ्री एनर्जी के टर्म में इस प्रकार बता सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फ्री एनर्जी क्या बताती है, उस सिस्टम द्वारा होने वाले मैक्सिमम वर्क को बताती है। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल रिएक्शन में जो यदि हम उसकी मैक्सिमम वर्क को कैलकुलेट करें तो उसका जो मैक्सिमम वर्क होता है वो एन एफ ई के बराबर होता है। तो ये मैक्सिमम वर्क किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी के, क्योंकि डेल्टा जी भी क्या बताती है, माइनस डेल्टा जी उस सिस्टम में होने वाले मैक्सिमम वर्क को बताती है। और मैक्सिमम वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एन एफ ई से। ठीक है, यहाँ पर ई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि किसी इलेक्ट्रोड पर या तो उत्पन्न होते हैं या दूसरे इलेक्ट्रोड से पर लिए जाते हैं। तो जो भी हमारा कंप्लीट सेल होता है उसमें एन फेराडे, एफ क्या बता रहा है, फेराडे को। तो यदि एन फेराडे यानी एन एफ कूलॉम विद्युत धारा की मात्रा जो है वो उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और एफ है फेराडे, है ना। तो एन एफ कूलॉम विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न होगी, इसलिए कितना मैक्सिमम वर्क होगा, एन एफ इंटू ई। तो हमने देखा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखें तो माइनस डेल्टा जी जीरो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई जीरो। ठीक, अब यहां से डेल्टा जी और डेल्टा जी जीरो की वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में, जिसे हम वन नाम दे देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन एफ ई और माइनस डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू एन एफ
ई जीरो, ये पार्ट वैसे का वैसा माइनस आर टी लॉग ए सी सी इंटू ए डी डी अपॉन ए ए ए ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम दोनों ओर एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन जब हम एन एफ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी ई, यहाँ बचेगा ई जीरो, यहाँ माइनस आर टी एन एफ लॉग ए सी सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन नॉन स्टिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा यदि हम और सॉल्व करें, इस नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e जीरो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ए सी टू द पावर सी ए डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए और ए बी टू द पावर बी। ठीक है, ये ई हमारा ई सही है। तो इस तरीके से हमने नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब यदि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो उस कंडीशन में हम आर की वैल्यू यदि जूल में लें, 8.134 जूल ले लें आर की जगह, और टी की जगह हम 298 केल्विन ले लें, और एफ की वैल्यू तो आपको पता है कि 96500 होती है, तो उस कंडीशन में ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.059। ठीक है, 0.059 वन भी लिखा होता है कभी कभी, और अपॉन सिर्फ क्या आ जाएगा एन। ठीक, क्योंकि हमने आर की वैल्यू रख दी 8.134, टी की वैल्यू रख दी 298, एफ की वैल्यू रख दी 96500, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया 0.0591, और बाकी आपका पार्ट वैसे ही का वैसा रहेगा आएगा। तो इस तरीके से ये और हमको सिंप्लीफाइड रूप में नॉन स्टिक इक्वेशन मिल गई। तो हम किसी भी सेल के पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस इक्वेशन द्वारा काउंट कर सकते हैं यदि हमें उसका ई जीरो सेल पता हो, साथ ही हमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी एक्टिविटी की वैल्यू पता हो, तो हम उस सेल का सेल पोटेंशियल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।